NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं नेहा. आज आपके सामने हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रखने जा रहे हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाला वो कौन है. ज्योतिराज सिंधिया को हराने वाला और कोई नहीं, उनका पुराना फैन और ये कहें कि पुराना कांग्रेसी जो नया नवेला भाजपाई बना है वही है, वो है केपी यादव. केपी यादव की जर्नी कुछ ऐसी है कि उनके पिता जो है गुना के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे 4 बार, तो उनके पिता पुराने कांग्रेसी रहे. लेकिन 2004 के बाद केपी यादव जो है मैदान में सक्रिय होते हैं, कांग्रेस के लिए उपचुनाव के दौरान बहुत सारा काम करते हैं इस आशा से कि उनको टिकट मिलेगी. लेकिन उनके जगह पर टिकट मिल जाती है बृजेंद्र सिंह को. इससे खफा केपी यादव जो हैं वो कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं भाजपा में. भाजपा उन्हें मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन का उम्मीदवार बनाती है. अफसोस की बात ये होती है कि वो बाई इलेक्शन जो है वो हार जाते हैं और बृजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के रहते हैं वो जीत जाते हैं. चूँकि गुना जो है, गुना सीट जो अगर पूरा लोकसभा सीट देखे तो वो कांग्रेस का गढ़ रहा. वहाँ से स्वयं ज्योतिराज सिंधिया 4 बार सांसद रहे हैं, उनकी माता जी सांसद रही हैं, तो वो शुरू से जो है वो कांग्रेस ही गढ़ रहा. वहाँ से बृजेंद्र सिंह का जीतना बाई इलेक्शन में लगभग तय था. लेकिन एक बार फिर भाजपा हिम्मत नहीं हारती है और केपी यादव पे विश्वास करके उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाती है ज्योतिराज सिंधिया के सामने. ज्योतिराज सिंधिया बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो वहाँ से लगातार 4 बार सांसद रहे हैं. लगभग ये माना जाता है कि उनको वहाँ पे कोई भी हरा नहीं सकता है, इसलिए शायद इतने निफिक्र होकर ज्योतिराज सिंधिया यूपी का इलेक्शन उस वक्त संभाल रहे थे. वेस्टर्न यूपी का प्रभारी उनको बना दिया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, वो लगातार कैंपेनिंग में व्यस्त थे. लेकिन उनकी पत्नी जो है उनका कैंपेनिंग मध्य प्रदेश के गुना सीट पे संभाल रही थी. उसी दौरान कैंपेनिंग के दौरान जो है प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने अपने फेसबुक पोस्ट पे ये एक फोटो के साथ एक फोटो डाला था, उसके साथ कैप्शन डाला था, जो कभी महाराज के साथ सेल्फी लेने के लिए भागा करते थे आज भाजपा उनको अपना प्रत्याशी बना रही है. एक तंज जो है प्रियदर्शनी राजे ने केपी यादव पे कसा था. बहरहाल उस वक्त प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को भी ये नहीं पता होगा कि ये तंज कभी उनके ऊपर ही भारी पड़ेगा और उनके पति यहाँ से सांसद नहीं रह पाएंगे. इसका विश्लेषण करते हुए एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि ये सीधे तौर पे सिंधिया परिवार का अहंकार दिखाता है कि कितने अहंकारी हैं और किस घमंड से उन्होंने एक छोटे से व्यक्ति का इस तरीके से मजाक उड़ाया है. खैर, केपी यादव को खुद भी विश्वास नहीं होगा कि गुना जो कि कांग्रेस की गढ़ रही है, वो स्वयं कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वहां पे वो बतौर भाजपाई कैंडिडेट जीत पाएंगे. मोदी लहर में सब ये मुमकिन हो गया. मोदी ने केपी यादव को मुमकिन कर दिया कि वो सांसद बने और संसद पहुंचे. इसी के साथ केपी यादव जो है संसद पहुंचते हैं. केपी यादव वहां अच्छे अंतर से, लगभग 1 लाख वोटों के अंतर से ज्योतिराज सिंधिया को हरा के संसद पहुंच रहे हैं. केपी यादव बतौर पेशे डॉक्टर हैं. उनका परिवार बहुत पहले लंबे समय से जो है राजनीति में रहा है. उनके पिता, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं. उनका खुद का मन था पॉलिटिक्स में बहुत शुरू से आने का, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने उनको मौका नहीं दिया इस वजह से वो भाजपा में गए. भाजपा बाई इलेक्शन में उनको मौका देती है, एक बार फिर उनके ऊपर विश्वास करती है. हारने के बावजूद भाजपा उनके ऊपर विश्वास करती है और लोकसभा में सीट देती है. लोकसभा जीत के दिखाने वाले केपी यादव आज मन ही मन सोचते होंगे, प्रियदर्शनी राजे को बता रहे होंगे, अब क्या वो ज्योतिराज सिंधिया के साथ सिर्फ सेल्फी लेंगे या ज्योतिराज सिंधिया जो है उनके साथ पूर्व सांसद के तौर पे फोटो खिंचाएंगे. अब आप उनके फोटो का इंतजार कीजिए और बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट.